अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जी ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ बिल्डिंग नंबर 455, जो हज कमेटी के लोग हैं, तो जो हजाज किराम दे कमिंग फ्रॉम इंडिया, तो जो हज कमेटी से आते हैं इंडिया, तो उनके लिए जो बिल्डिंग है, होटल की बिल्डिंग, वो इसी जगह पे है, अजीज़िया में। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके आसपास का जो एरिया है वो, और जो होटल है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ बिल्डिंग नंबर 455, जहाँ पे हमारे दोस्त है ये हाजी मोहसिन भाई मास्टर फ्रॉम भरूच पबूठन। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं इनको, पिज़्ज़ा पेस्टो। तो पहले तो मोहसिन भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबादी, माशाल्लाह हज की मुबारकबादी। हज मुबारक हो, अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हज कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। अभी हम विजिट करने आए हैं आपकी होटल, माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया है आपका होटल, और आसपास का एरिया भी बहुत अच्छा है। हर नमाज के बाद यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक जमा होती है, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका ये हज कमेटी का? अल्हम्दुलिल्लाह, हमको इधर जो बिल्डिंग प्रोवाइड की गई है उसमें हर तरह की सुविधाएं है। उसमें बैठने के लिए जो एरिया है वो नमाज के लिए प्रेयर रूम है, अपना किचन है, जो अपना रूम है वो सब लिए जो प्रोवाइड किया है बहुत अच्छी तरह किया है। और आसपास भी लोग अच्छे रहते हैं, मार्केट भी अच्छी बढ़ाती है, किसी की तरह की ज़रूरत पड़ती है तो इधर से तुरंत मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैसिलिटी भी दी गई है इधर। कुछ कुछ बिल्डिंग में जो कुछ फैसिलिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन इधर अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम ऐसा देखने को आया नहीं है। दूसरी है कि इधर जो मार्केट बढ़ाती है, बाजू में मस्जिद है, वहाँ भी हर तरह की किस्म की चीज़ें मिलती रहती है। और आसपास भी लोगों की तरफ से जो चाय बिरयानी ये सब बांटी जाती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह यहाँ मिल सकती है। जज़ाकअल्लाह। तो खाने पीने में आपको दिक्कत हो रही है? कैसा है यहाँ पे खाना पीना और लॉन्ड्री वगैरह का क्या माहौल है? नहीं, इधर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ हमको ये लोग वॉशिंग मशीन देते हैं, किचन देते हैं, किचन में खाना बनाना पड़ता है, वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धो सकते हो, वो फैसिलिटी मिलती रहती है। पानी भी 24 आवर मिलता है, पीने का पानी भी मिलता है। यहाँ कोई भी चीज़ चाहिए वो यहाँ नीचे दुकान बकालावे भी मिल जाता है। कोई भी खाने का आप सामान जैसे कि साग भाजी है, फ्रूट है, कोई भी चीज़ यहाँ आराम से मिल सकती है। तो खजूर भी प्रोवाइड होती है। हाँ, खजूर भी होती है यहाँ पे, खजूर भी होती है। चाय और खजूर हैं, ये देख सकते हो आपके खजूर हैं। खजूर हर आ रही मगरिब है, के एक बाद, खजूर भी मिलती है हर नमाज के बाद। हर नमाज के बाद ये खजूर मिलती है जिसको जितना चाहिए वो ले सकता है, आराम से खा सकता है। आपको यहाँ पे। जी, ये आराम से ये जितना भाई, खान। जितना चाहिए आपको उतना खजूर है भी आप ले सकते हो, चाय जो है ये भी है यहाँ है। तो ये देखिए, ये मगरिब के बाद का नज़ारा यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 455। यहाँ पे बहुत सारी ये जो हज कमेटी वाले लोग हैं, जो हुज्जाज किराम, तो उनकी बिल्डिंग है यहाँ पे है। इंडिया इंडिया से जो हुज्जाज किराम आते हैं वो इन्हीं बिल्डिंगों में ठहरते हैं। तो ये बिल्डिंग पे नंबर लिखा होता है हज 2024 456। तो देख सकते हो आप, बहुत सारे हुज्जाज किराम यहाँ पे मौजूद है। तो चाय का आनंद लेते हुए, और चलिए अभी बिल्डिंग में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्डिंग है होटल की। अभी रात का सीन है, हम लोग अभी आफ्टर मगरिब को निकले हैं। तो ये देख सकते हो आप, बिल्डिंग नंबर 455 में खड़े हैं हम लोग, और ये है होटल का एंट्रेंस। तो हम लोग बाद में जाएंगे होटल के अंदर, पहले आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल बाजू में ये मॉस्क है, और यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट, मोहसिन भाई बता रहे हैं कि हर नमाज के बाद ऐसी मार्केट लगती है, तो बहुत अच्छे दामों में चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या क्या बेचते हैं। तो लोगों का हुजूम देख सकते हो आप, ये तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए। ये कुरान शरीफ है, यहाँ पे आपको कुरान शरीफ भी मिल जाएगा। सलाम चाचा, नमाज ये जानम मुसल्ले है यहाँ पे, पांच पांच रियाल के, पांच पांच रियाल के मुसल्ले देख सकते हो। पांच रियाल के मुसल्ले देखो, पांच रियाल के, 10 रियाल है ये। बच्चों का कितना है, छोटे वाला? और
हिंदी में बोलो, हिंदी में 20 रियाल 40 रियाल। ब्रांच नंबर 11 ना जे पण लोको छे एनी ऑफिस एंड डिस्पेंसरी अहींया छे, तो तमे अहींया कोई पण माणस कई पण जात बीमार थयो होय, कई बीजू कई प्रोवाइड थयो होय तो तेना माटे तमे अहींया आवी शको छो, तमारा माटे दवा लई शको छो। आपणे मगुलभाई अंदर जईशुं, જ્યાં તમને હું બતાવું કે જ્યાં તમને ફ્રીમાં દવા આપવામાં આવે છે, ફ્રીમાં ચેકઅપ કરવામાં આવે છે, અને તમને વ્હીલચેર જો જોઈતી હોય તો વ્હીલચેર પણ અહીંયા પ્રોવાઈડ થાય છે। તમારે ગેસનો બોટલ પૂરો થઈ ગયો હોય યા તમારી બિલ્ડિંગમાં કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે અહીંયા એની કમ્પ્લેન પણ આપી શકો છો, અને તે તમને તાત્કાલિક એ પ્રોબ્લેમ પણ દૂર કરવામાં જશે। યે હાફિઝ સાહેબ આયે ઉનકો જૈસે યે ડોક્ટરને જો ભી દવા લિખી હૈ વો ફ્રી મેં યહાં સે દિયા જાયેગા, પ્રોવાઈડ કિયા જાયેગા। अस्सलाम वालेकुम, हम अभी यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं यहाँ लोगों के लिए आप? इधर इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा ही फैसिलिटी मिल रहा है। जितना सारे इमरजेंसी मेडिसिन है जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है हज में आने के बाद पेशेंट का, 24 आवर्स डॉक्टर्स फार्मासिस्ट नर्सिंग स्टाफ ऑल आर अवेलेबल एंड डिस्पेंसरी शुड ओपन 24 आवर्स। बिल्कुल सही, जैसे कि हज के पहले हमने देखा गया था कि यहाँ पब्लिक कम मिलती थी, अभी हज के बाद यहाँ लोगों का जमावड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह क्या होती है? देखो हज तो टोटल 5 डेज का होता है, तो मीना अराफात इस डेज में हाजी साहब को बहुत पैदल चढ़ना भी होता है, उधर तो उतना फैसिलिटी नहीं है, तो ये 5 दिन हाजी साहब को बहुत तकलीफ़ होता है, किसका पाए में ब्लिस्टर हो जाते हैं, किसका सर्दी होता है, कशी होता है, और बहुत सारा पेशेंट को डायबिटीज़ का इश्यूज़ है, हाइपरटेंशन का इश्यूज़ है, हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं, 5 दिन में हाजी साहब ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते, तो इसलिए हज के बाद पेशेंट थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। इधर टोटल हमारा 13 डिस्पेंसरी है, जस्ट OPD सिस्टम है, अगर पेशेंट का प्रॉब्लम होता है जो डिस्पेंसरी में मैनेज नहीं कर सकता, वो हमारा इंडिया में इंडिया की तरफ से 40-बेडेड हॉस्पिटल है और 30-बेडेड मेल फीमेल हॉस्पिटल है, हम लोग उधर डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। अगर 30-बेडेड 40-बेडेड हॉस्पिटल में पेशेंट का मैनेजमेंट नहीं होता तो अल नूर हॉस्पिटल एंड अल फैजल हॉस्पिटल इधर है, तो हम लोग उधर रेफर कर सकते हैं, और सर्जरी भी इधर होता है। हरम शरीफ से मोहसिन भाई कितनी दूर है ये होटल्स? ये हरम शरीफ से 7-8 किलोमीटर दूर पे है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए हमको बस यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। मैं आपको बताऊँ बस स्टॉप, वहाँ से आपको बस मिलेगी, आराम से हरम शरीफ पहुँच जाओगे 15-20 मिनट में। अजीजिया बस स्टैंड 11 नंबर नो जो बस स्टैंड है तेने आजू बाजू जितनी भी बिल्डिंग होती है उसमें से यहाँ से बस पकड़ना पड़ता है, जो बस वहाँ खड़ी है। ये बस भी आपको हरम शरीफ ले जाएगी? हाँ, ये बस हमारे को ले जाएगी अलजीन बस स्टॉप पे ले जाएगी, अलजीन बस स्टॉप पे उतर के आपको हरम शरीफ के लिए येलो कलर की बस पकड़ना पड़ेगा। जैसे अभी हम बस में जाते हैं, बस भी दिखा सकते हैं आपको, जैसे यहाँ से आप हरम शरीफ के लिए जा सकते हैं। आप बस भी देख सकते हो, हरम शरीफ के लिए ऐसी बसें होती है, लोग आसे जैसे बस खड़ी होती है लोग बैठना तुरंत शुरू हो जाते हैं। यहाँ रात के लिए जो मार्केट बढ़ाती है रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है, रात को 12 बजे तक ये मार्केट खुली रहती है, आपको जो जो चीज़ चाहिए होती है यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है, हर चीज़ जो इंडिया जाने के लिए आपको दोस्त अहबाब को तोहफा देने के लिए आप ले सकते हैं। वहाँ जो है उसमें घड़ी, अपने इलेक्ट्रिक किटली, रेडियो, अपना बैटरी, ये सब चीज़ मिलती है। उसके बाजू में है वहाँ हर चीज़ हर तरह की मिल जाती है यहाँ आराम से। यहाँ बच्चों के लिए टॉयज भी मिलता है, ये जो शॉप रहती है उसमें टॉयज है, अपना जो हज करके घर जा रहे हैं उसके लिए खजूर रखने के लिए प्लेटें होती है, हज का जमजम का पानी रखने के लिए जो थर्मोस होता है ये चीज़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती है और यहाँ अच्छी चीज़ रहती है, जैसे आप कांच में चाहिए तो कांच में भी मिल जाएगी ये जो होती है। माशाल्लाह बैगे भी अच्छी रहती है, कुछ कुछ जगह पे क्वालिटी अच्छी मिलती है अच्छी में, लेकिन ये ऐसी शॉप होती है वहाँ क्वालिटी भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिलती रहती है। बच्चों के लिए कोई भी चीज़ चाहिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए कोई चीज़ चाहिए आराम से यहाँ से गिफ्ट कर सकते हो, गिफ्ट ले सकते हो, जैसे वॉच भी मिलती है,
इलेक्ट्रिक आइटमें भी मिलती है इधर। अब ये देखो, ये एक और बिल्डिंग है 459। तो बस इस होटल के पास ही मैं आपको दिखाऊं ये शॉप्स है कुछ, और यहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट, रोड के ऑपोजिट बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अगर किसी को खाना रूम पे बनाना ही नहीं है तो वो लोग यहाँ पे भी खाना खा सकते हैं। बहुत सारी, वैसे अंदर जाओगे गली में तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे, जिसकी बिल्डिंग आसपास है तो उनका भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बहुत सारी रेस्टोरेंट मिल जाएगी, जो जहाँ पे आप लोग खाना भी खा सकते हो। हुज्जाजे किराम को अगर पकाना नहीं है रूम पे तो वो पका भी सकते, यहाँ के खा सकते हो। यहाँ पे बकाला भी है, वॉकिंग डिस्टेंस है, सारा का सारा वॉकिंग डिस्टेंस एरिया में आप लोग चल के भी जाके कुछ भी बाय कर सकते हो। तो ये है भाई, जो लोग हज कमेटी से आ रहे हैं तो उनकी जो फैसिलिटीज है वो मैंने आपको दिखाई। बाहर बैठ के भी अगर किसी को खाना है तो ये भी इंडिया की जैसे मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बस नज़दीक में है। ये बेकरी है, रोटी खबूस खबूस मिलते होंगे यहाँ पे। तो ये है बेकरी, ये देखो ये खबूस। तो दोस्तों ये है रिसेप्शन एरिया ऑफ द होटल। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है ये रिसेप्शन का एरिया। यहाँ पे CCTV लगा हुआ है, एयरकॉन भी चल रहा है, AC, और ये रिसेप्शन एरिया है। और देखो ये हरम शरीफ का लाइव व्यू यहाँ से दिख रहा है आपको। तो हरम शरीफ में लाइव व्यू। चलिए अभी होटल के अंदर चलते हैं, जो कमरे हैं लोग जहाँ पे रहते हैं वो एरिया में आपको दिखाऊं। तो ये जस्ट एंट्रेंस है। तो यहाँ पे पानी के कूलर्स देखो, एक कूलर्स इस साइड पे है और दूसरा कूलर इस साइड पे है। तो दो कूलर्स है जस्ट इन द लॉबी। तो लिफ्ट भी है यहाँ पे, आपको लिफ्ट की फैसिलिटी जो है वो भी मिल जाएगी। तो एक लिफ्ट इस साइड है और एक लिफ्ट इस साइड है। चलिए अभी अंदर चलते हैं, तो मैं आपको एक पोर्शन दिखाता हूँ। हर साइड पे ऐसे ही पोर्शन होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अंदर आओगे तो यहाँ पे ये एक खुला एरिया है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो, जो भी आपको करना है मीटिंग कर सकते हो या बैठ सकते हो। यहाँ एक पंखा भी लगा हुआ है। किचन दिखाता हूँ इनका, जो किचन होता है वो कैसा होता है। तो जैसे एंटर करोगे एक पंखा भी है, AC भी चल रहा है। और यहाँ पे देखो आप, ये गैस स्टोव है, दो दो गैस स्टोव यहाँ पे होते हैं। तो लोग खाना अगर पकाना है किसी को पका सकते हो वो, और कपड़े धोने हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको दिखाया कि जो लोग कमिटी में आते हैं तो उनको कैसी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो होटल दिखाया मैंने, होटल के आसपास का एरिया दिखाया। यहाँ पे इनको क्लिनिक की फैसिलिटीज़ भी मिलती है, जहाँ पे डॉक्टर्स 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। व्हीलचेयर किसी को चाहिए वो भी मिल जाएगी। और खाना पीने अगर किसी को बनाना है, यहाँ पे पकाना है पका सकती है, अगर नहीं पकाना है तो आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। किसी को अगर ग्रोसरी चाहिए तो वो भी बकाला नज़दीक में होता है, तो वहाँ से भी आप लोग कुछ भी कर सकते हो। और बस की फैसिलिटी मौसी भाई ने जैसे दिखाया कि 24 आवर्स रात को 2 बजे 4 बजे भी अगर आप जाओगे तो बस की फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहती है। तो ये सारी चीज़ें, इवन हज के जो 5 दिन है उसके लिए मीना में जाने वाली बस भी यहाँ से ये लोग लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये मौलिम की तरफ से होती है, हज कमेटी की तरफ से आप लोग कह सकते हो कि होती है। तो ये मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना देर से आया अलग है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।